नमस्कार, एग्री कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज सोमवार 16 अगस्त। सबसे पहले पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में अभी भी हमने बड़ी वॉलिटिटी पत्ते में देख रही है। सोयाबीन में हमने करीबन 20% की गिरावट आती हुई देखी है। वहीं मस्टर्ड के अंदर लोअर लेवल से थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर थी, बट कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर एक प्रेशर जो बना हुआ है वो सोयाबीन की वजह से बना हुआ है। कैस्टर में तेजी आती हुई देखी, सीपीओ में हमने 4% की तेजी देखी, सोया रिफाइन में 1.5% की तेजी आती हुई देखी। वहीं मसाले के अंदर अगर हम बात करें तो मसाले के अंदर भी हमने कहीं ना कहीं लोअर लेवल से जबरदस्त बाइंग आती हुई देखी, जहाँ पे हल्दी में हमने करीबन 7% की तेजी, वहीं जीरे के अंदर करीबन 2.25% की तेजी और धनिया के अंदर हमने करीबन 3.5% की तेजी बनते हुए देखी है। ओवरऑल ब्रेकआउट कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है स्पाइस मार्केट में, बट ध्यान रखिए सितंबर मंथ काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां पे ग्लोबल डिमांड इंप्रूवमेंट की कोशिश होगी। जिस दिन से महाराष्ट्र बाकी स्टेट्स भी अब ओपन अप हो गए हैं, कहीं ना कहीं मसालों की डिमांड और बाकी एग्री कमोडिटी की भी डिमांड आने वाले दिनों में और बढ़ती हुई दिखाई देगी। गवार सीड गवार गम में भी हमने शानदार फ्रेश बाइंग आते हुए देखी, जहां पे हमने 9% की तेजी गवार सीड में, 7.5% की तेजी गवार गम में आते हुए देखी। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आप देखिए काफी बड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं संकेत देते हैं कि ये रैली वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के साथ है, जिसका मतलब है ये हफ्ता भी पूरे गवार कॉम्प्लेक्स में अच्छी तेजी मिलती हुई देगी। गवार डेक्स भी लॉन्च हो चुका है एचजीएक्स में, जो एक इंडेक्स है गवार सीड और गवार गम का, इसमें भी आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। मेहता के अंदर रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, जबकि कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर भी तेजी का रुख रहेगा। गिरावट हमने कॉटन में जरूर देखी, बट फंडामेंटल्स काफी मजबूत है, जिसके चलते हम कॉटन को लेके चलेंगे। गवार सीड गवार के बाद अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो 3% की तेजी के साथ साथ मार्केट ने 3100 का लेवल रिगेन कर लिया है, जो कहीं ना कहीं 3350 के टारगेट के लिए ओपन अप हो गया है। कपास में भी तेजी का रुख रहेगा, 1500 के लिए लेके चलिए। चने में 5000 का लेवल रिगेन करना काफी इंपॉर्टेंट है और प्राइजेस में तेजी रहेगी, जो 5150 से 5180 का लेवल टेम्परेरी दिखा सकता है। आज के लिए आपको सोयाबीन लेके चलना है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमने फिर से 1380 का लेवल रिगेन किया है, तो सोयाबीन आज लेके चलिए 8100 के टारगेट के लिए। सोया रिफाइन लेके चलिए, जो 1440 तक का टारगेट दिखा सकता है। वही मस्टर्ड के अंदर भी रिकवरी है, जो 8150 तक का टारगेट मिल सकता है। कैस्टर इंपॉर्टेंट है, 5850 का लेवल, अगर 5850 के ऊपर निकल जाता है तो हम जल्दी 6150 तक का भी लेवल देख पाएंगे। हल्दी जीरा धनिया तीनों में ही आज लेके काम करना है, पूरे एग्री पैक के अंदर आज तेजी रहेगी। चने में बाइंग करके चलिए 5150 से 5180 के लिए। ब्रेकआउट 3120 के ऊपर रहेगा कॉटन सीड ऑयल केक में, जो कहीं ना कहीं 3250 का टारगेट रख सकते हैं। गवार सीड गवार गम पिक ऑफ डे में आप लेके चलिए, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। वहीं मेंथा में शॉर्ट कवरिंग के चलते 940 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। सीपीओ में 1200 के टारगेट के लिए आप लेके चलिए। वहीं कॉटन भी आज रिकवरी दिखाएगा, जो 26850 तक का लेवल दिखा सकता है। चार्टिकली सोयाबीन 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, 8000 से 8200 का टारगेट ले सकते हैं। चने के अंदर हमने सपोर्ट लेते हुए देखा है, लेकिन प्राइजेस 5180 से लेकर 5200 तक का मैक्सिमम लेवल दिखा रहा है। गवार सीड गवार गम में तेजी है, 5040 का लेवल तोड़ने पे 5180 तक का भी टारगेट हम देख पाएंगे। कैस्टर के अंदर ब्रेकआउट है, जो 5980 के लिए बाइंग किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी का अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।